डिंडोरी जिले के गाड़ासराय पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसमें नर्मदा नदी के किनारे अवैध रूप से खेत में लगे हुए हजारों अफीम के पौधों के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं अफीम के पौधों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि गाड़ासराय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पत्थरकुचा गांव में नर्मदा नदी के किनारे खेत में लगे अफीम के हजारों पौधों को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में पिता पुत्र को हिरासत में लिया है। आरोपी के खेत से पुलिस ने अफीम के 14,300 से अधिक पौधे, जिनका वजन 135 किलोग्राम है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि अफीम के पौधों में डोडा भी आ गया था, जिस पर चीरा लगाकर अफीम तैयार की जा रही थी। आरोपी द्वारा लगाए गए भारी मात्रा में अफीम के इन्हीं पौधों से करोड़ों रुपए की अफीम तैयार कर ली जाती है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। गांव के बीचों बीच नर्मदा नदी के किनारे करीब आधा एकड़ के एरिया में खुलेआम अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस ने अफीम के सभी पौधों को उखाड़ कर जब्त कर लिया है और आरोपी मानसिंह श्याम और पुत्र मकंदर श्याम को हिरासत में ले लिया गया है। क्या है पूरा प्रकरण सर? थाना क्षेत्र में ग्राम पत्थरकुचा पड़ता है, जहां मुखबिर के जरिए सूचना लगी थी कि मानसिंह करके है, जो अपने खेत में इसने अफीम की खेती उगा रखी है। सूचना पर तत्काल वहां दबिश दी गई, जहां पर खेत में मानसिंह और उसके लड़के मकरंद ने, दोनों ने मिलकर के अपने खेत पर करीब 2,052 स्क्वायर फीट एरिए में अफीम की खेती कर रखी थी, जिसमें डोडे के फल भी आ गए थे उस पर, जिस पर चीरा भी लगाया हुआ था उन लोगों ने, जिसमें पेड़ 14,300 कुछ 300 पेड़ अफीम के निकले उसमें, जिसका वजन 135 kg 290 ग्राम रहा है, और जिस पर विधिवत कार्रवाई की गई।